हेलो नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वैकेंसी एरे एजुकेशन के तहत आज अपन काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी की बात आप लोगों के साथ करने वाले हैं। आखिरकार इसका जो परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी है वो आ चुकी है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो ये वैकेंसी जरूर देख सकते हैं। 10वीं ITI और इसके अलावा और भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा भी है, तो आप लोग एक और सरकारी भर्ती या एक और गवर्नमेंट परमानेंट नौकरी कर सकते हैं। भारत के सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन बिल्कुल ऑनलाइन होगा। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। कई की बात करें, दो अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं। एक विज्ञापन 9 मई से आवेदन शुरू हो चुका है, एक हो सकता है कि 15 मई से शुरू होने वाला हो। तो दोनों विज्ञापन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ऑफिशियली वेबसाइट पर लेके चलूंगा, वहां से इसके जरिए बात आप लोगों से करेंगे। पहला टॉपिक होगा आवेदन कैसे करना है, इसका आवेदन ऑनलाइन होगा। दूसरा पॉइंट होगा कितनी पोस्टें हैं और क्वालिफिकेशन क्या होगी। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें तो सिलेबस भी होगा, क्या एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा, इन तीनों चीज की बात आप लोगों के साथ अपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। तो देखिएगा, पहला विज्ञापन और सेकंड विज्ञापन, एक विज्ञापन 12 पेज का है, एक विज्ञापन करीबन 20 पेज का है। तो दोनों विज्ञापन आप लोगों को देखने होंगे। विज्ञापन कहां से प्राप्त करने इसकी बात करें तो ये इसके ऑफिशियली साइट है, जिसे अपन URL या इसकी वेबसाइट के जरिए ही देख पाएंगे। यहां पे देखिएगा करियर का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, आप इसे अपने एंड्रॉइड फोन में भी जाके इसे देख सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसमें समझने के लिए किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं होगी। बस आप एक एंड्रॉइड फोन लीजिएगा, आपके पास होगा, और इसके www.coursera.ir पे क्लिक करें और इस पे जाके अप्लाई कर दें। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसर आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो आप हमारे इंस्टा पेज पे आएं, वहां से हम आपको पूरी जानकारी या फिर मदद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए ऑफिशियली साइट पे चलते हैं, ऑफिशियली विज्ञापन पे चलते हैं। इसका पहला विज्ञापन ये है। इस विज्ञापन पे आप लोगों को आवेदन करना है। इस विज्ञापन के जानकारी लेने के बाद ही आप लोग आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन मत कीजिएगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो बार बार कह रहा हूं, कमेंट कीजिएगा। यहां पे देखिएगा असिस्टेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा की पोस्ट है, डिप्लोमा वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल की ट्रेड इसमें मांगी गई है, एक्सपीरियंस यानी अप्रेंटिस है तो आप लोग लगा सकते हैं। इसी दौरान जो इसमें अगली पोस्ट है उसमें भी असिस्टेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसी दौरान आगे बात करें तो 11 मई से 6 जून तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पोस्टों की संख्या इसमें ये दे रखी है, जर्नल 10 है जबकि OBC 3 है। टोटल वैकेंसी इसमें 13 पोस्टें दे रखी है। ये विज्ञापन है, इसमें एक्सपीरियंस बीटेक वाले, बीए वाले या बीकॉम वाले विद्यार्थी या फिर बीएससी वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है। इसी ग्रेड पे की बात करें, 2800 रुपये, 8400 रुपये, यानी कि 8400 रुपये, 540 रुपये, तो ये ग्रेड पे होगा। तो यानी कि आपकी सैलरी होगी 51,000 के आसपास, अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। ये है सिर्फ डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए ही, बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए ही पोस्ट होगी। अब ITI वाले विद्यार्थियों की बात करते हैं, शिफ्ट या ड्राफ्टमैन की बात की जाए तो 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% पास आउट के साथ इसके लिए लगा सकते हैं। शिफ्ट या शिफ्ट जो ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिकल 3 साल का डिप्लोमा। इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फिर अपन बात करें इसमें मैकेनिकल्स की बात की जाए तो डिप्लोमा, या फिर जूनियर टेक्नीशियन की बात की जाए तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, और ITI वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो ITI जिनके पास है वो भी इसमें लगा सकते हैं। बैचलर डिग्री कंप्यूटर वाले विद्यार्थी भी इसमें लगा सकते हैं, लेब असिस्टेंट भी इसमें लगा सकते हैं। डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी स्टोर कीपर के लिए लगा सकते हैं। इसी दौरान जूनियर कम्युनिटी यानी कि JCE की पोस्ट के लिए आप लोग लगा सकते हैं। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, और वेल्डर कॉपर फील्डर और फीडर या वेंडर, ऐसी कई पोस्ट हैं। गैस इलेक्ट्रिकल्स, तो इसके लिए ITI वाला विद्यार्थी ही लगा सकता है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NCTC का सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी है, विथ अप्रेंटिस। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुने, इसमें वेल्डर फीडर या फिर वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल्स वाले विद्यार्थी मिनिमम क्वालिफिकेशन 5 इयर्स तक का होना चाहिए। देखिएगा, 2 साल का होना चाहिए ITI और 3 साल का होना चाहिए डिप्लोमा, तो भी आप लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके
पास 2 साल की ITI है और मान लीजिए आपके पास अप्रेंटिस 1 साल की है तो भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं। अगर किसी संस्था से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसका नंबर या बेनिफिट मिलेगा। इसी दौरान ITI वाले विद्यार्थियों के वेल्डर कॉपर्स की बात करें या फिर वेल्डर फीडर्स की बात करें या फिर पर्सनल फीडर्स की बात की जाए तो उनके भी यहाँ पे विवरण दे रखी है। इलेक्ट्रिकल्स हो गया ITI के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले विद्यार्थी हो गए उनकी यहाँ पे पोस्ट हैं। 14 मई से 6 जून तक आप लोग अप्लाई करेंगे इस वाले विज्ञापन के लिए, तो ये भी क्लियर कर लें। SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी को यहाँ पे विज्ञापन के आधार पे इनवाइट किया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें करीबन 500 के आसपास दिखते हैं अभी। इसमें टोटल वैकेंसी 261 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की OBC की 147, जनरल की 147 है, जबकि OBC की 77 है, ST की 1, SC की 15 पोस्टें इसमें दे रखी है, तो ये भी आप लोगों को देखना होगा। अब मान लीजिए आप प्लम्बर से ITI कर रखे हैं, डीजल मोटर से ITI कर रखी है, या फिर फीडर से आपने ITI कर रखी है, वेल्डर से आपने ITI कर रखी है, तो आपके कितने पोस्ट हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है, आवेदन की बात करें तो आवेदन सैलरी 22-23 हजार रुपए, ग्रेड पे आपका अच्छा खासा होगा, 18 से 35 वर्ष तक का युवा इसमें अप्लाई कर सकता है, और सिलेक्शन का आपका रिटर्न एग्जाम देना होगा। यहाँ पे देखें कि रिटर्न एग्जाम देने के लिए पहला पेपर ऑब्जेक्टिव मार्क का होगा, 70% आपको ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 75 मिनट्स में करना होगा। सेकेंड पेपर जिसमें 30 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के टोटल नंबर लाने होंगे, इस तरीके से आप लोगों का पेपर होगा। इसी दौरान नेक्स्ट पेपर की बात करें तो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव जिसमें और टेस्ट रिलेटिव ट्रेड से संबंधित 70 क्वेश्चन आएंगे एक में, तो एक में ITI वाले विद्यार्थियों के 70 क्वेश्चन आएंगे ITI की ही ट्रेड के आधार पे। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि एग्जाम भी इसमें होगी। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म भी इसमें दे रखा है, या फिर आप ईमेल पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी कोशिश की है समझाने की, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ITI डिप्लोमा BTech BCom या फिर BSc या फिर ग्रेजुएशन या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है किसी भी ट्रेड से, ट्रेड की बात करें ITI वाले विद्यार्थी फीडर, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिकल्स, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, प्लम्बर, ये ट्रेड हैं आपके पास तो आप इसमें लगा सकते हैं। इस दौरान डिप्लोमा वाले विद्यार्थी की बात करें तो वो भी इसमें लगा सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो के बारे में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, काफी अच्छी कोशिश की है समझाने की, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप हमारे इंस्टा पेज पे हैं, मैं पूरी मदद करूंगा फिर से अगेन, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, जय।